न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 24 फरवरी से मेवात के सिंगार गांव से शुरू हुई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा परिवर्तन यात्रा चार जिलों को कवर करते हुए आज रेवाड़ी पहुंची, जहां काकोड़िया गांव में कार्यकर्ताओं और भारी संख्या में ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। ये यात्रा अब 6 दिनों तक रेवाड़ी जिला की बावल, कोसली और रेवाड़ी तीनों विधानसभाओं का दौरा करेगी। यात्रा के साथ चल रही इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाने का एक ही रास्ता बचा है, परिवर्तन। और इस परिवर्तन यात्रा में बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सभी लोग जुड़ रहे हैं, जो केवल परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की यही पहचान है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार से आज हर वर्ग दुखी हो चला है, इसलिए वह परिवर्तन चाहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लोगों को जो यात्राएं सहन करनी पड़ी, आज भी उनके जख्म भरे नहीं हैं। वैसे भी इस सरकार में कई घोटाले हो चुके हैं, जिनका दर्द जनता सहन कर रही है। चौटाला ने कहा कि सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया और नई नई मुसीबतें लोगों पर थोपी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज नया साल है और इस नव संवत पर हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि इस सरकार को उखाड़कर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। 24 फरवरी से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा 24 सितंबर तक चलेगी, जो 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में संपन्न होगी। ये देखिए किस तरीके से यहां अभय चौटाला अपने समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और भारी संख्या में आम जनमानस के बीच रेवाड़ी की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका भव्य स्वागत हो रहा है, जहां इनेलो के झंडे तले लगातार अभय चौटाला ये सफर कर रहे हैं। इस सफर के अंदर सुनैना चौटाला भी उनके साथ है और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम भी इस यात्रा को आगे बढ़ाने में लगा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज रेवाड़ी में प्रवेश हुआ है यात्रा का और अब तक चार जिले कवर हो चुके हैं। 24 फरवरी से हमने इसको शुरू किया था और 24 सितंबर तक चलेगी। 25 को कुरुक्षेत्र में इसका समापन करेंगे चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के ऊपर। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है परिवर्तन यात्रा के प्रति। आप अभी देखोगे आपका जो पॉइंट आएगा जगत का रेवाड़ी का, उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग यात्रा के स्वागत में खड़े होंगे। और हर आदमी जो है आज इस मौजूदा सरकार से दुखी है, आज हर आदमी बदलाव चाहता है। इसलिए बदलाव चाहता है कि सरकार ने जो कोई वायदे किए उनमें से एक वायदा भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि लोगों के सामने और नई नई परेशानी आई, चाहे वो कोरोना काल के दौरान है, चाहे घोटाले हुए, चाहे कमीशन खोरी हुई, चाहे कोई माफिया खड़े किए गए। हर वर्ग के लोग दुखी परेशान हैं, आज बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए हमने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। हर हालत में बदलाव आएगा, हर हालत में परिवर्तन आएगा। नव वर्ष है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं है। इस नवरात्रि पे सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस प्रशासन को उखाड़ फेंकने में परिवर्तन यात्रा का सहयोग करें। चौटाला साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो परिवर्तन यात्रा जो है, इसका मकसद है प्रदेश में जो आज मौजूदा जो सरकार है, वो सरकार नहीं, लुटेरों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, जिसने इस प्रदेश को 3 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोने का काम किया है। आज हर डिपार्टमेंट के लोग जो है, चौपड़ासी से लेकर मंत्री तक, सारे के सारे भ्रष्टाचार के अंदर अखंड तक डूबे हुए हैं। 8 से 12% पैसा हर डिपार्टमेंट में मंत्री तक जाता है। मैं जब ये सब बातें विधानसभा में उठाता हूँ तो सरकार को बहुत तकलीफ होती है और सत्ता में बैठे लोगों का और तो कोई जोर चलता नहीं, मेरी बात का जवाब तो दे नहीं सकते। आखिर फिर मुझे स्पीकर को इशारा करके और नेम करवाने का काम करते हैं। वहाँ तो मुझे नेम कर सकते हैं, वहाँ से तो मुझे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो आज जगह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बढ़ती जा रही है, उसको कोई दिलों से नहीं निकाल सकेगा। और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इन लुटेरों को सत्ता से बाहर करने का काम। अपनी बेबाकी को लेकर विधानसभा में खूब चर्चा में है अभय चौटाला। मैंने कभी भी विधानसभा में कोई बात बिना आधार के नहीं कही, हर बात तथ्यों के साथ कहता हूँ। मेरी बात का जवाब सरकार के पास कभी नहीं होता,
तभी आपने देखा होगा जब मेरा क्वेश्चन भी लगता है, मैंने जो पीछे एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन लगाया था कि कितने किसान जो है जिन पे कर्जा है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर स्पीकर ने ये कहा कि 15 दिन में जवाब देंगे, विधानसभा और लोकसभा में जब भी कोई क्वेश्चन लगता है उसका जवाब उसी वक्त मंत्री को देना पड़ता है। इसका मतलब सरकार का दिवालिया पिट चुका है, सरकार जो है आज पूर्ण रूप से काम में विश्वास नहीं, लूटने में। मैं कह रही हूँ महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, नौजवान, बच्चे सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से निजात का एक ही रास्ता है, परिवर्तन।